दिल्ली से नोएडा तक रोशनी की बारी। लाइटिंग ऐसी कि जमीन पर उतरा चांद। जिसमें दिख रही न्यू इंडिया की झलक। दुनिया मानेगी लोहा, देखेगी भारत का दम। G20 का सम्मेलन शिखर पर इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में होने वाले G20 समिट को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है। इसकी तैयारियों की झलक ही किसी का भी मन मोह लेगी। इसमें रात के नजारे तो बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं, जिसमें न्यू इंडिया की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। G20 समिट का काउंटडाउन जारी है। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होना है। इस समारोह के जरिए न सिर्फ तमाम G20 देश बल्कि मेहमान देश भी करीब आएंगे और आर्थिक सुधारों से जुड़ी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। इस जश्न के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 8 से 10 सितंबर तक का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारत को पहली बार G20 की मेजबानी का मौका मिला है और ऐसे में भारत अपनी लंबे अरसों से विकास की यात्रा को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। इसके लिए राजधानी दिल्ली को भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। दिल्ली में 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और 7 से 10 सितंबर तक शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। दरअसल भारत सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि ये एक ऐसा मौका है कि पूरी दुनिया में हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका सबसे मुफीद समय है। यानी पिछले 75 वर्षों में भारत ने विकास की जो यात्रा की है वो पूरी दुनिया को दिखाने का समय है। सड़कों पर लगे ये पोस्टिंग, होर्डिंग और पेंटिंग दुनिया के नेताओं को भारत की संस्कृति की झलक दिखाएंगे, जिसमें भारत की विविधता का वर्णन है। जब इन रास्तों से G20 देशों के दिग्गज गुजरेंगे तो वो भारत की कूटनीतिक सफलता से भी परिचित होंगे। देश पहली बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इसको लेकर बीते एक साल से तैयारियां चरम पर हैं। पूरी दिल्ली में उन रास्तों पर जहां से ये राष्ट्राध्यक्ष गुजरेंगे, ऐसे तमाम पोस्टर्स, होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। दरअसल भारत इसके जरिए अपने संस्कृत की जानकारी इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को देना चाहता है। 40 देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रगति मैदान की तरफ जाएंगे और पूरे रास्ते पर आपको ऐसे तमाम बोर्ड्स नजर आएंगे जिनमें भारतीय संस्कृत का बाकायदा बखान है। G20 से लेकर भारत के तमाम त्योहार, भारत की तमाम पहचान, उनका बखूबी से जिक्र किया गया है। G20 की मेजबानी मिलते ही भारत ने इसकी विशेष तैयारियां शुरू कर दी थी। एक समन्वय के साथ दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिशें शुरू हो गई थी, जिसकी झलक आज देखने को मिल रही है। जगह जगह बनाई कलाकृतियां खूबसूरती को और निखार रही हैं। ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक बड़ा राजनीतिक इवेंट है। दरअसल भारत इस शिखर सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर से रूबरू कराएगा। भारत की राजधानी में जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे तो उस दौरान भारत अपने टूरिज्म, अपनी सुंदरता से पूरी दुनिया को कायल करना चाहता है। जब एयरपोर्ट से प्रगति मैदान की ओर तमाम राष्ट्राध्यक्ष जा रहे होंगे तो जगह जगह तमाम तरीके की कलाकृतियां बनाई गई हैं, लेकिन राष्ट्रवाद भारत के लिए प्रथम है। दिल्ली को पेरिस की तर्ज पर सजाया गया है।
दिल्ली हवाई अड्डे से लेकर धौला कुआं के पूरे रास्ते में अलग अलग सुंदर सुंदर मार्बल से बनी शेर, हाथी और घोड़ों की सुंदर कलाकृतियां और मूर्तियां लगाई गई हैं। इन मूर्तियों के आसपास सुंदर फाउंटेन इन मूर्तियों में चार चांद लगा रहे हैं। राजधानी में अब सुंदर मार्बल के तमाम शेर, हाथी जैसी कलाकृतियां और 10-10 फीट ऊंचे फाउंटेन आपको पूरे रास्ते के दौरान नजर आएंगे। मेरे पीछे आप ये शेर की जो बड़ी सी कलाकृति देख रहे हैं, ये राजस्थान से जो मार्बल्स मंगाए गए थे उनकी है। पीछे आप 10-10 फीट के जो फाउंटेन्स हैं उनको भी देख सकते हैं और ये पूरी दिल्ली में तमाम रास्तों पर लगाए गए हैं ताकि जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इन रास्तों से गुजरे तो वो भारत की कलाकृतियों को देखें, भारत में हुई भव्य सजावट को देखें। देश की राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके से जब दुनिया के दिग्गज नेता निकलेंगे तो रास्तों की लाइटिंग उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। रास्ते में पड़ने वाले पार्कों और गोल चक्करों को कुछ ऐसा ही स्वरूप दिया गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम के सामने तीन मूर्ति चौक पर पार्क की लाइटिंग बेहद अलग है। राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके यानी लुटियन जोन को पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर तमाम फाउंटेन लगाए गए हैं, तमाम कलाकृतियां लगाई गई हैं। उसके साथ साथ पार्कों में भी लाइट्स का विशेष प्रबंध किया गया है। इस वक्त हम तीन मूर्ति पर मौजूद हैं। ये लुटियन जोन में आती है और यहाँ पर आप देखें तो तीन मूर्ति को कितनी भव्य तरीके से सजाया गया है। न सिर्फ जो सामने स्कल्पचर लगे हैं उनको भव्य तरीके से सजाया गया है बल्कि पार्क में लाइट्स के जरिए रास्ते बनाए गए हैं। दरअसल ये वो इलाका है जहाँ पर तमाम डेलीगेट्स बाहर निकलेंगे, उनके होटल्स होंगे और इसी के लिए इस पूरे इलाके को भव्य तरीके से रात में भी लाइटिंग के जरिए सजाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की अगवानी कर रहा है, ऐसे में पूरे देश के लोगों में उत्साह है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन को भी विशेष तौर पर सजाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने देश में दुनिया के 40 ताकतवर नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। मेरे पीछे आप भारत का राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को G20 के लिए विशेष तौर पर सजाया गया है। यूं तो पूरी दिल्ली का नक्शा ही बदल गया है। पूरी दिल्ली में आप देखेंगे तो रात में आपको दिवाली के विजुअल्स नजर आएंगे, लेकिन स्पेशली कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को विशेष तरीके से सजाया गया है ताकि रात में जब वहां पर लाइटिंग हो तो उसकी चकाचौंध से दुनिया के तमाम दिग्गज हैरत में पड़ जाएं। G20 शिखर सम्मेलन के प्रवेश द्वार को भी दिव्य स्वरूप दिया गया है, जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। सजावट ऐसी कि सात समंदर पार से आ रहे नेताओं की आंखें चौंधिया जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन शुरू होने में अभी कुछ दिनों का समय है, लेकिन देश की राजधानी आने वाले गेस्ट के लिए दिल खोलकर स्वागत करने के लिए दुल्हन की तरीके से सज गई है। इस वक्त हम प्रगति मैदान के गेट नंबर 6 यानी भारत मंडपम गेट पर हैं और आप मेरे पीछे उन विजुअल्स को देखें जहां से दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस शिखर सम्मेलन में एंट्री करेंगे। भारत मंडपम विशेष तौर पर सजाया गया है। न सिर्फ इस पूरे इलाके को हरियाली से सरोबार कर दिया गया है बल्कि यहां पर बेहद भव्य तरीके की लाइटिंग की गई है। यही भारत मंडपम के ठीक सामने एक स्वागतम का बड़ा सा बिलबोर्ड लगाया गया है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी को कुछ इस तरह से सजाया गया है कि ये पॉइंट्स अब आम लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट्स बन गए हैं और यहाँ रोज बड़ी तादाद में भीड़ जुट रही है। खास बात ये है कि सिर्फ नई दिल्ली जो इलाका है उसको पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं किया गया है, डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि नई दिल्ली इलाके के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर G20 के तमाम डेलीगेशन के लोग पहुंचेंगे, G20 के सदस्य पहुंचेंगे, उस पूरे इलाके की बेहद साज सज्जा की गई है। आलम यह है
कि उस सजावट के चलते ही आपको इस सड़क पर तमाम लोग नजर आएंगे जो स्पेशली अपनी गाड़ियों को रोककर यहां पर सेल्फी ले रहे हैं। यानी कि G20 के लिए उस स्तर की सजावट हुई है कि लोगों के लिए G20 स्पॉट्स अब सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सम्मेलन के जरिए भारत धाक जमाने की कोशिश में है। इसके लिए इस बार खास तरह की लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली के साथ ही यूपी का शो विंडो यानी कि नोएडा भी G20 के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां से गुजरने वाले मेहमान इसका नजारा देख सकेंगे। रात के वक्त में नोएडा रोशनी से नहाया हुआ नजर आएगा। इसकी एक झलक आपको भी दिखाते हैं। इसे आप पिक्चर से पहले ट्रेलर भी समझ सकते हैं। नौ और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां अपने चरम पर हैं। मेन प्रोग्राम तो वैसे दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, लेकिन दिल्ली के साथ साथ NCR के भी कई शहर दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं। नोएडा का प्रवेश द्वार शांति के संदेश की इबारत लिख रहा है, जिस पर साक्षात गौतम बुद्ध के विचारों की झलकियां दिखाई दे रही हैं। ये लंदन पेरिस नहीं, आपका अपना शहर नोएडा है। G20 के मेहमानों के लिए बाहें पसारे तैयार है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे, गौतम बुद्ध की मूर्ति है, 3D प्रोजेक्शन लाइट से इसको जगमग किया गया है और गौतम बुद्ध का संदेश दे रही है अपने लाइटिंग के जरिए। इसके अलावा पूरे शहर को सजाया गया है लाइटिंग से। अपने मेहमानों के लिए बाहें पसारे ये नोएडा तैयार है। गौतम बुद्ध की मूर्ति है, शांति का संदेश दे रही है, इसके साथ साथ अपने विचारों को भी लाइटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरों से पूरा नोएडा जगमग है। इसे तीज त्योहारों की तरह सजाया गया है। हो भी क्यों ना, न्यू इंडिया की दिव्य तस्वीर में न्यू यूपी काफी मायने जो रखता है। नोएडा भी सजाया गया है और वजह है G20। आप तस्वीरें देखेंगे, सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं, लाइटिंग से पूरा नोएडा जगमगा रहा है। इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे यहां पर और उनको एक सुंदर और स्वच्छ वातावरण और उनके दिमागों पर ये मेमोरी रहे G20 को लेकर, उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरा नोएडा जगमगा रहा है। G20 के दिग्गज मेहमान जिन रास्तों से गुजरेंगे उन रास्तों को भी रोशनी से नहलाया गया है। मेहमानों का इंतजार कर रही गैलरी की शानदार लाइटिंग की गई है। सुंदर, दिल को छूने वाली और मनमोहक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये नोएडा है और इसको सजाया गया है G20 के लिए। फिलहाल इसको लाइट गैलरी के नाम से जाना जा रहा है। सेक्टर 16 फिल्म सिटी के पास ये लाइट गैलरी के नाम से जाना जा रहा है। ये स्ट्रेच है जो फिल्म सिटी की तरफ उतरता है। G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए इसे खास तौर पर सजाया गया है। मेहमानों का इंतजार कर रही ये गैलरी। फिलहाल जो लोग यहां से गुजर रहे हैं वो यहां पर रुककर इस लाइटिंग का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं। अमृत काल मना रहे भारत के लिए ये समिट किसी जलसे से कम नहीं है। भारत अपनी ताकत और विरासत दुनिया को दिखाना चाहता है। ऐसे में आजादी के दीवानों को कैसे भुलाया जा सकता है। G20 की तैयारियों को लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर देशभक्तों की एक गैलरी बनाई गई है। आपको सबसे पहले ये गैलरी दिखाएंगे। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा शहीद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु के स्कल्पचर बनाए गए हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात हो तो जरूर दो पंक्तियां याद आती है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी वाली रानी की वो वीर गाथा पूरे इस स्कल्पचर में दिखाई देगी आपको। किस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह के इंकलाब की भी कहानी इस गैलरी की शोभा बढ़ा रही है। अब हम आपको शहीद भगत सिंह का भी स्कल्पचर दिखाएंगे। बड़ी बखूबी से बनाया गया है और आप देखेंगे कि वेस्ट मटेरियल से ये पूरा तैयार किया गया है। भारत की संसद है, क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की याद आती है तो दो लाइनें जरूर याद आती हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापूजी के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी
देश भक्तों की गैलरी में मौजूद हैं। G20 में आने वाले विश्व के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसे जान और समझ सकेंगे। G20 के लिए चमकते दमकते और जगमगाते नोएडा की झलक परी चौक पर भी देखने को मिलेगी। सज धज कर तैयार दिल्ली के साथ ही यूपी के शो विंडो नोएडा की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। 3D लाइटिंग की चमक नोएडा की अलग पहचान दर्शा रही है। जिस तरीके से नोएडा को औद्योगिक हब कहा जाता है, उसको एक अलग पहचान है। उत्तर प्रदेश का शो विंडो है और नोएडा पहले से भी बेहद खूबसूरत था, लेकिन G20 के साथ ये और आकर्षण हो गया है, ये और खूबसूरत हो गया है, ये और दिव्य हो गया है, ये और सुंदर हो गया है। फिलहाल इस तरीके के सौंदर्यीकरण के कार्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे हैं और यहाँ पर साज सजावट की गई है लाइटिंग के जरिए, और ये सभी लाइटिंग अपने मेहमानों का इंतजार कर रही है, और यहाँ से जब मेहमान गुजरेंगे तो वो इस पल को जरूर याद करेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा।